में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाले अनंतनाग राजौरी सीट पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये घोषणा डीपीएपी के कोषाध्यक्ष ताज मोहरुद्दीन ने मंगलवार को श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। साल 2022 में कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में खुद की पार्टी बनाई, जिसे नाम मिला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। गुलाम नबी ने उधमपुर डोडा सीट से जीएम सरूरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में उनकी पार्टी से अब तक दो प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावी मैदान में सामने आ चुके हैं। 7 मार्च 1949 को जम्मू के डोडा में जन्मे गुलाम नबी आजाद काफी पढ़े लिखे नेता हैं। साल 1973 में गुलाम नबी आजाद ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1980 में ही गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र के वशिम से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। साल 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री का अहम पद दिया गया। वो सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। गुलाम नबी के अनंतनाग सीट से लड़ने की घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीट से उम्मीदवार के ऐलान के एक दिन की रह गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट से मौजूदा सांसद हसनैन मसूदी का टिकट काटकर गुज्जर पहाड़ी नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा है। 66 वर्षीय अल्ताफ 5 बार विधायक और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। अभी भाजपा ने सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सीट से मुस्लिम अफसर को मैदान में उतार सकती है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। वहीं पीडीपी ने भी इस सीट पर अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। पार्टी ने साथ ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीए को अपनी साख बचाना भी चुनौती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पीडीए प्रमुख महबूबा मुफ्ती क्या फैसला लेती हैं। मालूम हो कि परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट में परिसीमन के बाद राजौरी और पुंछ को शामिल किया गया। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इसकी अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल को होगी। इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में कश्मीर घाटी में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर रखी है। गठबंधन में इनके सहयोगी पीडीपी की भी कश्मीरी की 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर अपने उम्मीदवार उतारने की संभावना है, लेकिन पार्टी ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने भी अभी तक यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है। अनंतनाग सीट की बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहां से महबूबा मुफ्ती 2014 में सांसद बनी, लेकिन 4 जुलाई 2016 को उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई। इस्तीफे के करीबी 3 साल तक यहां उपचुनाव नहीं हो पाया। इस सीट पर चरम पंथ का प्रभाव होने का तर्क देकर चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करवाए। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा ने अनंतनाग विधानसभा सीट से चुनाव जीता। बाद में 2019 में सीट पर चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूद ने जीत हासिल की। उन्होंने 40,180 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने 33,504 वोट हासिल किए। पीडीए मुखिया महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पर रही। 2019 में इस सीट पर कुल 9% ही मतदान हुआ था।